कुछ टाइम पहले हमारे घर में एक लड़की आई थी। उसने कहा मैं सकलैन की बेबी हूं। ये देखो, ये क्या है? ये वही नेकलेस है जो सकलैन ने मुझे दिया था। हाँ तो ये नेकलेस मुझसे डाकू छीन कर ले गए थे। मैंने तुम्हें फोन करके बताया भी था, तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, मैं भूल कैसे सकती हूँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? ये आज मुझे मेरे घर की अलमारी में से मिला। आपके घर की अलमारी से? पता नहीं कपड़ों में छुपा कर रखा हुआ था, जैसे ही मैंने कपड़े निकाले तो ये नीचे गिर गया। कपड़ों में कौन छुपाएगा? अभी हो सकता है कि वो लोग इसे वहीं छुपा के चले गए हो। नहीं नहीं वो डाकू ये नेकलेस लेकर गए थे, मैंने उनसे मांगा था लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया और वो चले गए। मतलब अगर ऐसा है तो फिर ये यहाँ पे कैसे आया? यही सोच सोच कर तो मैं पागल हो रही हूँ। सम्मी की डेथ हुई है, मैं तो घर भी नहीं गई, घर तो बंद है, वहां तो सिर्फ सकलैन ही जाते हैं। तो क्या सकलैन मैंने रखा होगा वहां पे? मैंने उनको मना भी किया था कि ये पैसे आप घर मत रखें, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे घर में रखे। पता है ये नेकलेस तो ऐसे ही साथ चला गया। इसका मतलब कि सकलैन भाई ने डाकुओं को घर पे भेजा था? क्या ऑल फोर बके जा रही हो? तुम चुप रहो। कहने तो इसे ये जो भी कह रही है। यही कड़ी से कड़ी मैं कब से मिला रही हूं और उलझती जा रही हूं। तुमने सकलैन के साथ जिस लड़की को देखा वो देखने में कैसी थी? आप देखने में वो 22-23 साल की लगती थी, लेकिन बहुत तेज थी, बहुत चलाक, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी चलाक औरत है। और मैंने इनको देखा भी था कि वो और सकलैन भाई आपस में शॉपिंग कर रहे थे, और ऊपर से वो सकलैन भाई के इतने क्लोज भी थी। रमशा को गलत फहमी भी हो सकती है। आप ही नहीं, रमशा को कोई गलत फहमी नहीं हो सकती। इसने सकलैन को उस लड़की के साथ देखा होगा। आप ये कैसे कह सकती हैं? मैं मानती हूँ शुरू से सकलैन भाई हमारे साथ पैसों की हेराफेरी करते हैं, और आप जानती हैं वो हमारी दुकान वो 50 लाख की नहीं गई थी, ज्यादा पैसों की गई थी, और मैंने ये बात अम्मी को बताई थी लेकिन अम्मी ने मुझे रोक दिया ये कहकर कि आपके घर का मसला है, आपकी खुशी का मसला है। मैं कितनी अंधी थी। अपना घर टूटने का ब्लेम दूसरों को देती रही। लेकिन मेरा घर था ही नहीं। पता है मानूर, कुछ टाइम पहले हमारे घर में एक लड़की आई थी। उसने कहा मैं सकलैन की बीवी हूं। क्या फिर सकलैन वहां आ गए और उन्होंने उस लड़की को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहने लगे कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो झूठ नहीं कह रही थी, सच कह रही थी।
अरे वापी, आप प्लीज संभालें खुद को, इतना सब हो गया आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बताया था मैंने तुम्हें कि सकलेन बदल गए हैं, उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है।